नमस्कार, सीटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताजा सुर्खियों पर। खबरें फटाफट में। चंद्रपुर के पेट्रोल पंप पर मिलावटी डीजल को लेकर हुई हाथापाई, पेट्रोल पंप के गुंडों द्वारा की गई मारपीट। कोरोना के कारण नागरिकों की कई स्थितियों पर असर पड़ा है, खासकर मानसिक स्थिति पर। इसी के अंतर्गत जिलाधिकारी ने आह्वान किया है कि आपको अगर कोई भी परेशानी तो डायल करें 155399। याद रहे दूरध्वनि 155399। चंद्रपुर जिले के भद्रावती तहसील में 145 मेगावाट और सौर ऊर्जा का होने जा रहा है निर्माण। सांसद और विधायक धानोकर दंपति की सफलता। वनी तहसील के मेंढोली में आई बाढ़ में नारायण काले नामक किसान बह गया। बुधवार को आई मूसलाधार बारिश के कारण हुआ यह हादसा। कल आई मूसलाधार बारिश ने मूल सिटी की हालत कर दी खराब। कई इलाकों में पानी घुसा घर में और रास्ते हुए जलमय। बिजली गिरने से कई इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं भी हुई खराब। मामले की जांच को रफा दफा करने हेतु रिश्वत लेते हुए चिमूर के विस्तार अधिकारी, भीसी के सरपंच और उप सरपंच फंस गए जाल। महाविकास आघाड़ी में चार शिवसेना के मुख्यमंत्री बनते ही राजुरा में कई राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने शिवसेना का थामा दामन। महिला व बाल विकास मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने कहा कि आंगनवाड़ी सेवाओं को निवृत्ति के दिन ही मिले बीमे की रकम। पूर्व वित्त मंत्री विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने गुहार लगाई कि जिले में यूरिया की कमी को जल्द से जल्द पूरी करें। 26 जुलाई तक 2500 टन यूरिया उपलब्ध कराया जाएगा, कृषि मंत्री ने दिया आश्वासन। गढ़चिरौली के पंत प्रधान आवास योजना के अंतर्गत मंजूर हुए घरकुल के धनराशि को मंजूर करने के लिए रिश्वत लेते हुए आरमोरी के पंचायत समिति के अभियंता को किया गया गिरफ्तार। चंद्रपुर जिले के जीवती में लॉकडाउन में मास्क पहनने के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर हुई कार्रवाई, वसूला गया 46,000 का जुर्माना। नागपुर में लॉकडाउन हुआ तो होगा कर्फ्यू जैसा, नगमायुक्त तुकाराम मुंडे ने दिया संकेत। नागपुर भंडारा हाईवे पर अपघात होने से पब्लिक हुई खुश, हो गए ना हैरान। जान ले कि इस ट्रक में थे शराब के खोखे। हाईवे मार्ग पर शराब का ट्रक पलटा, उसके बाद देख ही सकते आप ये स्थिति। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के माटुंगा स्थित घर राजगुरु में तोड़फोड़ करने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार। करीब 2 हफ्ते से जारी थी तलाश। राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस की ओर से बांडे के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के जन्मदिन पर अनाथालय में किया गया किताबों का वितरण। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नायक रुग्णालय की प्रशंसा की गई, क्योंकि 500 कोरोना संक्रमित गर्भवती माताओं की प्रसूति के बाद बच्चे थे कोरोना मुक्त। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। बताया गया है कि मंत्री को फिलहाल भोपाल के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। कोरोना वायरस के मामलों में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र राज्य के हालात खराब है और अब पहली बार राज्य में एक ही दिन में कोरोना के 10,000 से अधिक नए मामले सामने आए। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 12 लाख के पार पहुंच चुकी है, साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या 29,000 के पार हुई। देश में कोरोना के एक्टिव केसेस 4,26,000 से ज्यादा है। विश्व में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1.51 करोड़ हुआ, जबकि 2,39,000 से अधिक नए मामले सामने आए। बता दें कि अब तक 89.43 लाख मरीजों ने दी कोरोना को मात। तो सीटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर में ऐसी खबरें फटाफट। मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए सीटीवी के साथ। नमस्कार।